हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। तो आपका भी चैनल पर 5, 6, 7, 8 व्यू आकर रुक जा रहा है, वो भी वीडियो पर। तो यार, आपका सबसे मेन गलती है कि आप अपलोड बढ़िया से नहीं करते हो। टैग जो है कहीं और से लिखना पड़ता है, डिस्क्रिप्शन जो है वहीं से लिखना पड़ता है। और मतलब आपको कब थंबनेल डालना है वीडियो में, कब नहीं डालना है, यूट्यूब पर थंबनेल डालना है या स्टूडियो में थंबनेल डालना है, इसको आप जानते ही नहीं हो और डायरेक्ट जो मन करता है वो करते हो। तो यार, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपना वीडियो अपलोड करते ही आपका मतलब व्यू कैसे आने लगेगा। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, बहुत सारे जो चैनल नए नए खोलते हैं वो बहुत सारे गलती करते हैं कि तुरंत मतलब वीडियो में जो मन किया वो ऐसे ऐसे डाल दिए, अभी डाल दिए, पब्लिक कर दिए, मतलब ऐसे ऐसे करते हैं। लेकिन यार, ये सबसे बेकार गलती कर रहे हो आप, इसीलिए आपका जो है वीडियो वायरल नहीं हो रहा है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताता हूं कि आप अपना वीडियो अपलोड कैसे करते हो कि आपका वीडियो वायरल होगा। और ये ट्रिक आपको कोई नहीं बताएगा, क्योंकि ये ट्रिक बताएंगे तो उसको मतलब ये ट्रिक बताएंगे तो वो भी ट्रिक इस्तेमाल करते हैं जो बताएंगे आपको, और सोचते हैं कि इसका वीडियो वायरल हो जाएगा और मेरा फिर अटक जाएगा। तो यार, वो सब आपको बताना नहीं चाहते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। इसीलिए वीडियो पर नया है तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में अपना ओपिनियन दे दीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले आपको क्या करना है कि मैं अपना एक मोबाइल ले लेता हूँ सबसे पहले, और मैं यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग पहले ऑन कर लेता हूँ ताकि आप सब जान सको। तो अभी हमने कर लिया है अपना स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन, तो ये आप देख सकते हैं साइड में स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन हो गया है। तो अब सिंपली चल जाएंगे हम यूट्यूब में। अगर यूट्यूब में जाना ही पड़ता है, अगर आपको वीडियो डालना है तो यूट्यूब में जाना ही पड़ता है, आपको पता ही है। तो सिंपली हम चल जाते हैं अपने यूट्यूब पर, और ये देख सकते हैं मैं अपना आ गया यूट्यूब पर। और सिंपली ये जो आपको देख रहा है लोगो, इस पर आपको क्लिक करना है। ये देख लीजिए लोगो, आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक करना है, और जिस आप चैनल पर डालना चाहते हो वीडियो उसको आपको ले लेना है। तो हम यहाँ करेंगे, यहाँ पर अपना अकाउंट लेंगे जो मैंने ट्रैक इन ओम अभी हाल ही में बनाया था और उसका जो सेटिंग्स भी किया था। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाकर देख सकते हैं, मैंने चैनल बनाना भी सिखाया है और 5 सेटिंग मतलब उसमें क्या क्या करना है वो भी मैंने सिखाया है। तो चलिए हम ले लेते हैं ट्रैक इन ओम, और फिर यहाँ से मुझे अभी एक वीडियो डालना है। तो आप क्या करते हो, अपलोड वीडियो, ये तो सिंपल तरीका है ही आपको अपलोड करने का। यहाँ से अलाउ दे देते हैं, और जो मैंने अपना वीडियो बनाया था उसको अपना ले लेते हैं। जैसे कि मैंने अपना ये वीडियो बनाया था और इसको नेक्स्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आप थंबनेल गलती से भी मत डालना, सिर्फ आपको क्या करना है, टाइटल डालना है और डिस्क्रिप्शन डालना है। तो सिंपली हम टाइटल कुछ भी दे देंगे, माय फर्स्ट वीडियो, और जैसे कि हमने यहाँ पर माय फर्स्ट वीडियो दे दिया, और यही को आपको कॉपी कर जैसे कि मैंने यहाँ कॉपी किया, और आपको ये डिस्क्रिप्शन में कर देना है, और अलग से जो है आपको लिखना है हैशटैग डाल डालकर, मतलब लिखता है ताकि आपका जो वीडियो कोई सर्च करे, मतलब कुछ भी सर्च करे तो आपका वीडियो उसके टॉप पर आ जाए। तो आपको लिख लेना है, मैं तो अभी लिखूंगा नहीं क्योंकि मैं आपको बताने के लिए ये सब कर रहा हूँ। तो आपको सिंपली कर लेना है, और यहाँ जो आपको पब्लिक दिख रहा है यहाँ पर सबसे पहले अनलिस्ट करना है। सब बाकी लोग क्या करते हैं कि यूट्यूब पर आते ही पब्लिक कर देते हैं, लेकिन पब्लिक नहीं करना है दोस्तों। स्टूडियो पे जो है आपको बहुत सारा काम करना है, इसीलिए यहाँ पर आपको पब्लिक नहीं करना है। तो हम यहाँ पर पब्लिक नहीं करेंगे, अनलिस्ट कर दिए। अब यहाँ सिंपली अपलोड कर देंगे, और इसके बाद और काम है। जब तक आप लोड हो रहा है, जैसे कि मैंने माय फर्स्ट वीडियो के टॉपिक पे बनाया है, तो आपको सिंपली चल जाना है क्रोम पर, और क्रोम पर जाने के बाद यहाँ पर हम लिखेंगे माय फर्स्ट वीडियो, जो आपका वीडियो का टॉपिक है वो यहाँ पर लिखो, माय फर्स्ट वीडियो जैसे हम लिख रहे हैं। नहीं, यहीं पर जाना है, और ये आप देख सकते हैं जो बहुत सारे मतलब ये कीवर्ड्स है आपको देखने के लिए यहाँ पर मिल जाएगा, और ये सब आपको कॉपी कर कर अपने टैग में डालना है। जैसे कि आपको कॉपी कैसे करना है, देखिए इसको सिंपली यहाँ पर ऐसे नीचे करना है और यहाँ पर आपको कॉपी कर लेना है। ये देखिए, जैसे कि हमने यहाँ पर कॉपी कर लिया, और ये देख सकते हैं हमने यहाँ पर कॉपी कर लिया। तो आपका जो है एक फाइल लेना है, जैसे कि कीप नोटिस रहता है, उसमें आप सब चीज़ लिख सकते हो, जितना मतलब जितना आपको प्लस वाला आइकन पे क्लिक करना है, और यहाँ पर सिंपली यहाँ पर कॉपी कर देना है। फिर आपको डालना है यहाँ पर ये आप देख सकते हो, ये वाला डालना है जिससे हमारा जो टैग वहाँ पर सेलेक्ट हो जाता है, यही आपको डालना है। फिर आपको इधर जाना है क्रोम में, और क्रोम में जाने के बाद ये फिर से दूसरा वाला लेना है, और फिर दूसरा वाला को ऐसे करना है कॉपी। ये देख सकते हो हमने कॉपी किया, और यहाँ पर सिंपली पेस्ट कर देंगे,
और ऐसी करते करते आपको मतलब 500 से कम ही करना है, 400 तक लग कर सकते हो यहाँ पर ये सब, 400 वर्ड तक। तो आपको सिंपली मतलब क्रोम से उठा उठा कर अपने यहाँ पर रखना है, और फिर आपको टैग में डालना है। और टैग में कैसे डालना है मैं आपको बताता हूँ, टैग कैसे डालना है। टैग आप सोचते हो कि YT स्टूडियो में जाएंगे और टैग डाल देंगे, बस खेल खत्म हो गया, लेकिन वहां से आपको टैग डालना ही नहीं रहता है, इसीलिए आपका जो है वीडियो वायरल नहीं होता है। तो सिंपली मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्या करना है। सबसे पहले इसको कॉपी कर लेंगे, कॉपी करने के बाद हम जाएंगे YT स्टूडियो में। जैसे कि यहाँ पर है YT स्टूडियो, हम सिंपली YT स्टूडियो में चल गए, और ये देख सकते हो अभी मैंने एक वीडियो डाला था, और ये जो है पूरा हो गया है इसका डाउनलोड YouTube वाला। तो अब सिंपली यहाँ पर पेंसिल वाले आइकन पे क्लिक करेंगे, और फिर ये जो है यहाँ पर पब्लिक वब्लिक कुछ नहीं करना है दोस्तों, आपको जो है थंबनेल लगाना है। लेकिन मेरे में अभी जो है थंबनेल लगाने का ऑप्शन नहीं है, क्योंकि मैंने अभी मोबाइल इसमें नंबर नहीं दिया है, इसलिए मुझे थंबनेल नहीं लगा पाऊंगा मैं। करना है क्रोम में जाना है, क्रोम में जाना है सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ। और यहाँ पर जो है आप ध्यान से देखना, तभी आप जान पाओगे कि कैसे हमको वीडियो अपलोड करना रहता है ताकि हमारा वीडियो वायरल हो सके। तो यहाँ पर हम जैसे क्रोम पर गए, और क्रोम पर जाने के बाद आपको लिखना है www.youtube.com। तो हम सिंपली लिखेंगे www, यहाँ पर आ गया तो सर्च कर देंगे, और यहाँ पर सर्च करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पर डेस्कटॉप साइट कर देना है। और जैसे ही हमने यहाँ डेस्कटॉप साइट किया, और डेस्कटॉप साइट करने के बाद यहाँ पर आपको देखिए चैनल पर जाना है, ये आप देख सकते हो चैनल, यहाँ पर आपको जाना है चैनल पर। यहाँ पर क्लिक करेंगे लोगो पर, और यहाँ पर आपको जो दिख रहा है योर चैनल, ये आप देख सकते हो योर चैनल जो दिख रहा है, आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर देखिए कस्टमाइज चैनल दिख रहा होगा, कस्टमाइज, ये देखिए कस्टमाइज चैनल दिख रहा होगा, तो यहाँ पर सिंपली कस्टमाइज करेंगे और देखते हैं आगे क्या होता है। मैं आपको बारीकी से बताऊंगा, आप ये बारीकी से देखते रहना, तभी आप जान पाओगे कि वीडियो वायरल कैसे होता है। और यहाँ मतलब हो गया, और आपको क्या करना है, ये जो आपको थर्ड नंबर पर दिख रहा है, ये देख सकते हो ये जो आपको थर्ड नंबर पे दिख रहा है ये वाला, आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे कि हम यहाँ पर इसको क्लिक करते हैं, और क्लिक करते ही आपका जो मैंने अभी यूट्यूब से वीडियो मतलब अपलोड किया था वो आपका यहाँ पर सामने आ जाएगा। तो सिंपली आपको वही वीडियो को क्लिक करना है, देख सकते हैं हमने क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको काफ़ी मतलब वीडियो के डिटेल्स मिल जाएंगे। लेकिन आपको यहाँ जो दिख रहा है यहाँ पर आपको शो मोर, यहाँ पर अब देख रहे हो शो मोर, यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे कि हमने यहाँ क्लिक किया, और फिर आपको स्क्रॉल करना है, स्क्रॉल करना है, नीचे जाना है, और फिर यहाँ पर देखो यहाँ पर दिखा रहा है ऐड टैग्स। यहीं पर से जो है बड़े बड़े यूट्यूबर जो है यहीं पर टैग डालते हैं, और आपको जो है बताते भी नहीं है, ताकि वो जानते हैं कि यार इसका वीडियो वायरल हो जाएगा तो मेरा वीडियो अटक जाएगा और मैं कभी फिर आगे बढ़ ही नहीं पाऊंगा जब इसका वीडियो वायरल हो जाएगा। तो इसीलिए वो सब आपको बताना नहीं चाहते हैं, इसीलिए मैं आपको बताता रहता हूँ, इसीलिए सब्सक्राइब कर लो यार, इसीलिए मैं आपको ये मतलब अच्छा अच्छा नॉलेज देता हूँ, रियल नॉलेज देता हूँ, सर्च वर्च करके देता हूँ एकदम बढ़िया से। और सिंपली यहाँ पर ऐड टैग्स पर क्लिक करना है, और जो आपने कॉपी किया था उसको आपको पेस्ट कर देना है। जैसे कि हमने यहाँ पेस्ट कर दिया, और ये देख सकते हो हमारा पेस्ट हो गया, और यहाँ पर आपको कुछ छेड़खानी नहीं करना है, बस आप टैग डाल दिए, वही ढेर की बात है। अब टैग डाल दिए तो आपको क्या करना है, यहाँ पर जो आपको सेव का बटन दिख रहा है, ये देख सकते हो सेव का बटन आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे कि हमने क्लिक कर दिया, अब यहाँ पर लोडिंग हो रहा है, और आपको सिंपली यहाँ से डायरेक्ट बीच वाला नीचे बटन टिप कर, ये वाला नीचे बटन टिप कर आपको हट जाना है। सिंपली हम हट गए यहाँ पर, और फिर आपको चलते हैं YT स्टूडियो में। ये देख सकते हैं हम यहाँ पर आ गए YT स्टूडियो में। YT स्टूडियो में आने के बाद मैं आपको दिखा देता हूँ कि वो टैग डलाया है कि नहीं डलाया है वीडियो में। सिंपली यहाँ पर क्लिक करेंगे वीडियो पर, और यहाँ पर पेंसिल वाले आइकन पर क्लिक करेंगे, ये आप देख सकते हो पेंसिल वाले आइकन, और यहाँ पर सिंपली क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर, यहीं पर ना टैग डालते हो आप लोग, लेकिन यहाँ पर आपको नहीं डालना है टैग, मैं आपको जो बता रहा हूँ वही सब करना। आपको सिंपली यहाँ पर देखते हैं टैग में, ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हो टैग जो है लिखा गया है, देख रहे हो मैंने क्रोम पर किया और यहाँ YT स्टूडियो में जो है टैग लिखा गया है। आपको सिंपली यही करना है, आप जो है गलत करते हो इसलिए आपका जो है वीडियो वायरल नहीं होता है। तो यहाँ पर हमने टैग डाल दिया, और सिंपली क्या करना है आपको पब्लिक कर देना है, और अपना थंबनेल डाल देना है, क्योंकि मेरा तो अभी नंबर लॉगिन नहीं है इसमें, इसीलिए मैं अभी थंबनेल नहीं डाल सकता हूँ। जब मेरा नंबर लॉगिन होगा तभी मैं इसमें थंबनेल डाल सकूंगा। तो हमारा जो है पूरा कंप्लीट वर्क हो गया। तो सिंपली यहाँ पर आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पर जो सेव का बटन दिख रहा है आपको सिंपली सेव कर देना है। जैसे कि मैं सेव कर लिया,
और यही जो है दोस्तों प्रोसेस है, वीडियो अपलोड करने का यही प्रोसेस है। जो आपको बड़ा बड़ा यूट्यूब मिलते हैं, यूट्यूबर्स मिलते हैं, वो आपको ये ट्रिक कभी नहीं बताएंगे ऐड टैग्स के बारे में, मतलब कहाँ से टैग डालना पड़ता है, कहाँ से ये करना पड़ता है। आपको यही बताएंगे कि YT स्टूडियो में ये सब करता है यूट्यूब से। वो तो हम जानते ही हैं कि यार यूट्यूब से हमको अनलिस्ट करना है और फिर YT स्टूडियो पर जाकर सब काम करना है, वो तो हम लोग जानते ही हैं। लेकिन क्रोम पर क्या करना है ये आपको कोई कभी नहीं बताएगा, तो मैं आपको बताया हूँ। तो इसलिए हमारे चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और कमेंट बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड वंदे मातरम।